हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग फॉर यू। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन दैट इज़ बेस्ड ऑन बीजेटी। तो बीजेटी का आपने सारा ऑपरेशन देख लिया था भाई, कैसे कैसे आपने डिफरेंट ऑपरेशन मोड्स देखने बीजेटी के, तो सारे पॉइंट आपके कवर हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट, तो पहला क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, फाइंड द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीजेटी इन द गिवन सर्किट एंड ऑल्सो डिटरमाइन इट्स ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट का क्या मीनिंग बताया था भाई, आपने क्यू पॉइंट बताना है, ठीक है? और क्यू पॉइंट के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, मतलब आपने बी सी ई और आई सी क्यू की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, समझ रहे हैं पॉइंट? तो आपको ये भी क्लियर है भाई, यहाँ पे एरो लगा होता है, ये अमीटर टर्मिनल होता है, इसका मतलब ये कलेक्टर है और ये क्या है, बेस। इसका मतलब करंट अगर ऐसे जा रहा है तो आई ई जे होगा। तो आपको मैंने बिल्कुल बेसिक में बताया था, अगर आई ई इस साइड है तो आई सी मेरा इधर जाएगा और आई बी मेरा इस तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि आई ई मेरे पास क्या होता है राजी, आई सी प्लस आई बी, क्लियर? और मैंने ये आपको ये भी बताया था, यहाँ पे बेस मीटर टर्मिनल है वहां पे ऑलवेज ड्रॉप कितना लेना भाई, 0.7 वोल्ट। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज कितना लेके चलेंगे, 0.7, ठीक है? ये पॉइंट नोट कर लेना भाई आपने, ठीक है? चलिए इसके बाद अब ध्यान से देखिए, इस वाले पॉइंट पे जो मेरा वोल्टेज है वो कितना है, 10 वोल्ट, ठीक है? अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि मैं ऐसे कैसे सॉल्व करूं इसको, तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे 10 वोल्ट है, इसको हटाइए तो आप अलग से इसको बना सकते हो, मतलब इस सर्किट को आप ऐसे बना सकते हो भाई, 100 किलो ओम, और यहां पे लगा दो भाई 10 वोल्ट का सोर्स, क्लियर? दोनों का मीनिंग क्या राजी, सेम है, क्लियर? चाहे आप ऊपर रख लीजिए इस चीज को, चाहे आप यहां पे दिखा दीजिए, क्योंकि यहां पे वोल्टेज कितना था, 10 वोल्ट था, तो उसी पॉइंट को मैंने 10 वोल्ट के साथ यहाँ पे डिनोट कर दिया है, करेक्ट हुई इतनी बात? अगर यहाँ पे +10 है, इसका मतलब यहाँ पे पी टर्मिनल आएगा और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल आएगा, इसको ग्राउंड करके दिखा दीजिए, समझ रहे पॉइंट? समझने के लिए क्या मेरा जब केवीएल अप्लाई करूंगा प्लस आएगा या माइनस आएगा, समझ रहे पॉइंट? उस चीज की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, अगर यहाँ पे -10 होता तो पहले नेगेटिव टर्मिनल फिर मेरा पॉजिटिव आप लगा देते, समझ रहे पॉइंट? चलिए नेक्स्ट, फिर मैं इसमें केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ये क्योंकि ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब क्या है, आपस में इसको लिंक कर सकता हूँ, ये मेरी पूरी एक लूप दिख रही है, ठीक है? लूप दिखने के बाद मैं आई बी निकालूंगा, अगर आई बी मेरा <0 आ गया तो कट ऑफ रीजन हो जाएगा, अगर मेरा <0 हो गया तो मेरा या तो सैचुरेशन में होगा या फिर एक्टिव रीजन में होगा, क्लियर? ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है? तो करिए यहाँ से स्टार्ट, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आई बी करंट है, तो -2 प्लस, -10 प्लस 100, ये के में है, ठीक है? के का मतलब होता है 10^3 इंटू आई बी, आगे प्लस टू माइनस जा रहा है तो प्लस कितना, 0.7, हाँ जी, इधर तो कोई भी ड्रॉप नहीं है, इक्वल टू क्या कर देंगी, 0, तो आई बी करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, 9.3 डिवाइड बाई 100 इंटू 10^3, करेक्ट हुई इतनी बात? अब ऐसे करते हैं, इस 0 को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो 10^6 हो जाएगा नीचे, 10^6 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10^-6, तो ये बनेगा 93 इंटू 10^-6 एम्पियर, मतलब 93 माइक्रो एम्पियर, क्लियर? तो बेस करंट जो मेरा आ गया दैट इज पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मीन्स आई बी करंट मेरा क्या हो जाएगा, >0 हो जाएगा, क्लियर? अगर ये >0 है, इसका मतलब क्या हो गया राजे, ये तो जहाँ मेरा सेचुरेशन रीजन में होगा या फिर किस में होगा, एक्टिव रीजन में होगा, समझ रहे हैं पॉइंट? मैं कंसिडर मान के चल रहा हूँ कि जी मान लीजिए मेरा किस में है, एक्टिव रीजन में है, ठीक है? तो बेस करंट मेरे पास आ गया जी 93, करेक्ट? तो ध्यान से देख लेना भाई कैसे मैंने लूप लगाया है, तो आई भी मेरे पास आ गया 93 इंटू 10^-6 एम्पियर और 93 माइक्रो एम्पियर, क्लियर? आगे आपको ये भी पता है, लेट बीजेटी इज ऑपरेटेड इन एक्टिव रीजन, मान के चल रहे हैं बाद में कंडीशन सेटिस्फाई अगर होगी तो एक्टिव में होगा, अदरवाइज सेचुरेशन में हो जाएगा, ठीक है? तो हमें यह भी पता है जो मेरा अमीटर करंट होता है, सॉरी कलेक्टर करंट जो होता है, दैट इज बीटा इंटू बेस करंट होता है, और बीटा आपको गिवन है जी 60 इंटू मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 93 माइक्रो एम्पियर, क्लियर? इसको जब हम सॉल्व करेंगे 6 × 18 55 0 इंटू 10^-6, आप ऐसे करिए इसको लिख सकते हैं 5.58 मिली एम्पियर, ठीक है? ये मेरे पास कौन सा आ जाएगा भाई, कलेक्टर करंट आ जाएगा, कलेक्टर करंट की वैल्यू आ जाएगी 5.58 मिली एम्पियर, क्लियर? तो एक बार चेक कर लो कोई मिस्टेक ना हो गई कैलकुलेशन में, हाँ आई थिंक इतना ही आएगा। तो आईसी मेरे पास आ गया, अब मैं
इस वाली जो आउटवर्ड लूप है इसमें मैं केबल अप्लाई कर दूंगा। ये मेरे पास ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब क्या, आप ग्राउंड को ग्राउंड के साथ टच कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप केबल अप्लाई कर दो और देखो आंसर कितना आ रहा है भाई। तो अप्लाई केबल इन आउटपुट लूप, अप्लाई केबल इन आउटपुट लूप, समझ रहे पॉइंट। अप्लाई करिए कितना आएगा, -10, ऊपर से देखिए -2+ ही आ रहा है, -10 प्लस 1 × 10⁻³ इंटू आई सी। यहाँ पे मान लीजिए वोल्टेज मेरा कितना है जी, ±BCE, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा, BCE, नेक्स्ट आगे तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो इक्वल टू आ जाएगा जीरो। तो BCE की वैल्यू आ गई 10 - IC, क्लियर, × 10⁻³ कितना रहा जी, 3, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 - IC की वैल्यू कितनी आई है, 5.58 मिली, का मतलब होता है 10⁻³, ये है 10⁻+3, ये कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं पॉइंट। तो आगे से मैं ये चीज़ नहीं लिखूंगा जो किलो वाली चीज़ है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 10⁻+3 है, ठीक है, कि इसका आंसर ऑलवेज मिली में ही आएगा, समझ रहे हैं पॉइंट। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा राजे, 4.42। BCE की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, 4.42 वोल्ट, क्लियर। तो आगे आपको एक कंडीशन बताया था, इफ जो आपने BCE कैलकुलेट किया है, अगर BCE सैचुरेशन से ज़्यादा है, BCE सैचुरेशन कितना बताया था, 0.2, तो मेरा ये किस में होगा, एक्टिव रीजन में होगा। तो BCE आपका कितना हो गया, 4.42 आ गया है। इसका मतलब ये जो मेरा BJT था ये किस रीजन में ऑपरेट हो रहा था जी, दैट इज इन एक्टिव रीजन, ठीक है। और ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू क्या होगा, अभी जो एक्टिव रीजन में है तो BCE जितना आया वही आ जाएगा 4.42 वोल्ट, और IC कितना आया था, 5.58 मिली एम्पियर, ये मेरा क्या हो जाएगा राजी, ऑपरेटिंग पॉइंट हो जाएगा, करेक्ट हुई इतनी बात। तो बड़े ध्यान से आपने देखना भी कैलकुलेशन किस टाइप से मैं कर रहा हूँ, उसी टाइप से आपने कैलकुलेशन को करना है, करेक्ट। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ BJT इन अबव सर्किट, इसी सर्किट की बात हो रही है, इफ 100 किलो ओम इज रिप्लेस्ड बाय 10 किलो ओम, यहाँ पे जो 100 किलो ओम था इसको मैंने रिप्लेस कर दिया राजी, किसके साथ, 10 किलो ओम के साथ, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगा, इसका मतलब ये था जो मेरा बेस करंट था उसके नीचे मेरा 100 डिवाइड हुआ था, 100 की जगह पे मैं किसको डिवाइड करूँगा राजी, 10 को डिवाइड करूँगा, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 930 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, समझ रहे हैं पॉइंट। क्यों, क्योंकि जब मैं इसमें केबल अप्लाई करूँगा देखिए कितना आएगा, -10 प्लस 10 IV प्लस 0.7 इक्वल टू जीरो, तो बेस करंट किसके इक्वल हो जाएगा, 9.3 डिवाइड बाई 10K, ठीक है। 10K का मतलब कितना हो जाएगा राजे, 930 × 10⁻⁶, क्योंकि इसका मतलब कितना है, 10⁻³, जो पॉइंट हटाएंगे 100 हो जाएगा, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो नीचे लगाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 930 माइक्रो एम्पियर, क्लियर। या मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, 0.93 मिली एम्पियर, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग क्या राजी, सेम है, करेक्ट हुई इतनी बात। तो ऐसे आप भाई केबल अप्लाई करके आप बेस करंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे ही बेस करंट आया, दैट इज 0.93, तो बेस करंट मेरा ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब ये एक्टिव रीजन में होगा या फिर सेचुरेशन में होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट BJT ऑपरेटेड इन एक्टिव रीजन, IC = β IB, तो यहाँ पे बस थोड़ी सी गड़बड़ कर देनी है अपनी, गड़बड़ मतलब करेक्ट कर लेना, ठीक है। मतलब 0.93 सॉरी, यह 0.93, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसका आंसर कितना आएगा ना जी, 55.80 हो जाएगा, ठीक है। करके देखिए इसको, इसको सॉल्व किया तो 5580 आया, और 1212, तो 55.8 मिली एम्पीयर आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। जो आपका कलेक्टर करंट आएगा दैट इज 55.8, ठीक है। फिर हम अप्लाई करेंगे आउटपुट लूप में KVL, तो IC की जो वैल्यू है दैट इज 55.8, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा राजे, -45.8। तो जो मेरा BCE है, ये मैंने जो कैलकुलेट किया है, ये लेस देन क्या आ जाएगा, 0.2, क्योंकि -45.8 वोल्ट जो है वो लेस देन होता है 0.2 से। इसका मतलब ये हुआ भाई, मेरा जो BJT है वो किस मोड में ऑपरेट करेगा, दैट इज ऑपरेटेड इन सैचुरेशन रीजन। सेकंड क्वेश्चन में
आपका सेचुरेशन रीजन में भाई ऑपरेट करेगा, करेक्ट हुई इतनी बार, दैट इज सेचुरेशन रीजन। तो ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होगा, अब ये ऑपरेटिंग पॉइंट मेरा नहीं होगा, तो ऑपरेटिंग पॉइंट निकालने के लिए बीसीई मेरा फिक्स हो जाएगा कितना, क्योंकि ये सेचुरेशन रीजन में हो गया, बीसीई सेचुरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी, 0.2 वोल्ट। तो बीसीई की तो वैल्यू आएगी 0.2 वोल्ट। अब कलेक्टर करंट मुझे चाहिए, कलेक्टर करंट निकालने के लिए ये जो बीसीई है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बीसीई सेचुरेशन, यहां से हम निकाल लेंगे। तो निकालिए भाई कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 0.2, इसकी वैल्यू 0.2 मैंने पुट कर दिया है, तो आईसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.8 मिली एम्पियर। क्लियर है जी पॉइंट। तो सेकंड क्वेश्चन का जो ऑपरेटिंग पॉइंट आएगा दैट इज 9.8 मिली एम्पियर। क्लियर। तो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, एक तो क्वेश्चन ये बनेगा बीजेटी किस रीजन में ऑपरेट करेगा, दूसरा बेस करंट पूछ सकता है आपको, या अमीटर करंट पूछ सकता है, या फिर आपका कलेक्टर करंट पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले, इसको निकालने से पहले मुझे ये देखना पड़ेगा बीजेटी मेरा किस रीजन में ऑपरेट हो रहा है, समझ रहे हैं पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे कलेक्टर करंट मेरा कितना आ रहा था, 55.8, लेकिन एक्चुअल में करंट कितना आ रहा है, 9.8 मिली एम्पियर। क्यों, क्योंकि जो मेरा बीजेटी है वो किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है भाई, सैचुरेट में, ठीक है। तो एकदम से आपने अगर कलेक्टर करंट निकाला तो आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे, डायरेक्टली आंसर कितना बता दूंगी, 55.8। क्लियर, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले ये चेक करना इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बीजेटी है वो किस रीजन में ऑपरेट करेगा, समझ रहे हैं पॉइंट। तो गेट में काफ़ी प्रॉब्लम इस टाइप की पूछी जाती है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले ये क्लियर करना होगा कि आपका रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या है, करेक्ट हुई इतनी बार। तो नेक्स्ट सुनिए जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से रीड करिए और देखिए क्या पूछ रहा है भैया आपसे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये आपके पास सर्किट गिवन है, फाइंड द ऑपरेटिंग पॉइंट, इसका ऑपरेटिंग पॉइंट आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको पता है भाई इस टाइप का मैंने सर्किट दिखाया था आपको, इस टाइप के सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसका बीटीएच और आरटीएच निकाल लो, ठीक है। बीटीएच और आरटीएच जैसे ही निकलेगा आपका सर्किट कैसा नजर आएगा, आपको यहाँ पे RTH होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा राजी, BTH। ऊपर है मेरे पास 1 किलो ओम एंड 20 वोल्ट, बीटा इज इक्वल टू 60। ये मेरे पास अमीटर करंट, अमीटर है, ये बेस है जी, ये कलेक्टर है, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब ये मेरे पास अमीटर करंट है, ये क्या है, बेस करंट है, और ऊपर वाला क्या है, कलेक्टर करंट, ठीक है। और BTH मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखना भाई, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगी वो वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों का सम 200 और 200 400 इंटू टोटल वोल्टेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितने पे गया भाई, 1 और 2 पे गया, ऐसे कर लीजिए इसको, 20 को रहने दीजिए, ये 1 ये 2 पे, क्लियर। तो कितना वोल्ट बचा भाई, 10 वोल्ट। इसका मतलब BTH की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 10 वोल्ट। और RTH इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है भाई, लास्ट लेक्चर में जाके देखना, मैंने इस टाइप का सर्किट बताया था, 200 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा RTH, 100 किलो ओम। जब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, करेक्ट हुई इतनी बार। तो BTH पता चला, RTH पता चला, यहाँ पे वोल्टेज ऑलवेज कितना रहता है, 0.7। तो जल्दी से निकालिए भाई बेस करंट कितना होगा, बेस करंट इक्वल टू 10 माइनस, ये तो पहले वाला सर्किट बन गया भाई, 10 माइनस 0.7 दैट इज डिवाइड बाय 9.3 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 रेज पावर 3, मतलब 93 माइक्रोएम्पियर। तो बेस करंट मेरा ग्रेटर देन 0 है, मतलब या तो ये सैचुरेशन रीजन में होगा या फिर किस में होगा, और इन एक्टिव रीजन। तो मैं मान के चलूंगा भाई, मान लीजिए जो मेरा सर्किट है वो किस रीजन में ऑपरेट हो रहा है, एक्टिव रीजन में। अगर एक्टिव रीजन में ऑपरेट हो रहा है तो कलेक्टर करंट क्या हो जाएगा, बीटा इंटू IB। बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, 60 इंटू, हाँ जी, बेस करंट कितना है, बेस करंट इज 93 इंटू 10 रेज पावर 3, तो कितना आ जाएगा भाई, 5.58 मिली एम्पियर। ये मेरे पास कलेक्टर करंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मुझे निकालना है भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BCE, फिर उसको मैं कंपैरिजन करूंगा विद योर सैचुरेशन वोल्टेज, ठीक है। तो कितना आएगा ऊपर से, -20 प्लस, हाँ जी, 1 × 10⁻³ इंटू IC, IC की वैल्यू कितनी है, 5.58 × 10⁻³ प्लस
बी सी ई इक्वल टू जीरो, तो बी सी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 माइनस 5.58, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 है, ठीक है, तो कितना बचेगा भाई 14.42 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो बी सी आपने निकाला है, बी सी इज ग्रेटर देन 0.2, दैट इज ग्रेटर देन बी सी ई सैचुरेशन, इसका मतलब किस रीजन में ऑपरेट होगा राजे मेरा, इन एक्टिव रीजन, तो ये मेरा जो बीजेटी होगा दैट इज ऑपरेटेड इन एक्टिव रीजन, करेक्ट हुई इतनी बात। तो इसी टाइप का भाई आपके कोई भी सर्किट हो आपने इसी टाइप से ही हैंडल करना है, क्लियर, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, बस केवीएल नेटवर्क का कंसेप्ट क्लियर है तो एनालॉग आपको समझ में आएगा, अदरवाइज एनालॉग में दिक्कत आएगी, क्लियर है जी पॉइंट। तो ये मेरा एक्टिव रीजन में है तो इसका ऑपरेशन क्या होगा, मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होगा, बी सी ई जे होगा और आई सी मेरा कितना होगा, जे होगा, क्लियर है जी पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से रीड करिए भाई, क्या पूछ रहा है इसके अंदर, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड बी नॉट इन द गिवन सर्किट, बी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दिस बी नॉट इफ बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज का मतलब ये है बीटा इज टेंडिंग टू इनफिनाइट, अगर बीटा मेरा टेंडिंग टू इनफिनाइट हो गया, आपको ये भी पता है जो मेरा बीटा होता है वो किसके इक्वल होता है राजे, बीटा इज इक्वल टू आई सी डिवाइड बाई आई बी, इसका मतलब आई बी करंट किसके इक्वल हो जाएगा भाई, आई सी डिवाइड बाई बीटा, आई सी बीटा क्या टेंडिंग टू इनफिनाइट, तो आई बी मेरा अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 एम्पियर, क्लियर है जी पॉइंट। जब जिस क्वेश्चन में गिवन हो कि बीटा इज वेरी लार्ज, इसका मतलब बेस करंट मेरा क्या हो जाएगा, 0, ये कौन सा करंट होगा राजे, अमीटर करंट होगा, और यहाँ पे ये जो करंट ऊपर से आ रहा होगा ये मेरे पास क्या होगा, ऊपर वाला करंट कलेक्टर करंट है, ये वाला करंट कितना है जी, बेस करंट, और यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा 0.7 वोल्ट, क्लियर है जी पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में बीटा वेरी लार्ज है, बेस करंट मेरा कितना हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, क्योंकि करंट 0 है तो ड्रॉप 0 होगा, यहाँ पे वोल्टेज प्लस कितना है, यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा 2.6 वोल्ट, ठीक है, 2.6 में से जे वाले ड्रॉप माइनस कर दो तो यहाँ पे वोल्टेज कितना दिखेगा आपको, 2.6 माइनस 0.7 दैट इज 1.9 वोल्ट, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ, जहाँ पे वोल्टेज पता है यहाँ पे वोल्टेज पता है, दिस वोल्टेज माइनस दिस डिवाइड बाई 1K कर दो, कौन सा करंट पता चल गया, अमीटर करंट, इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए अमीटर करंट कितना हो जाएगा, 1.9 डिवाइड बाई 1K मीन्स 1.9 मिली एम्पीयर, क्लियर। और आपको ये भी पता है अमीटर करंट इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, ये करंट तो मेरा 0 है तो अमीटर करंट और कलेक्टर करंट दोनों क्या हो जाएंगे राजी, सेम हो जाएंगे, दैट इज 1.9 मिली एम्पीयर, जहां तक करेक्ट है। तो मुझे निकालना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बी नॉट, तो मुझे एक चीज बताइए, सर्किट को थोड़ा सा मैं दिखा दूं आपको क्या एक्चुअल में सर्किट क्या था, यह बी नॉट ये है 1K और यहां पे वोल्टेज आपको गिवन है जी 10 वोल्ट, क्लियर है जी पॉइंट। तो इस बी नॉट की वैल्यू मुझे चाहिए, यहां पे करंट कौन सा है जी, आई सी करंट है, ठीक है जी। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर इस वाली वोल्टेज में से जे वाले ड्रॉप माइनस कर दूं वो क्या मेरे पास बचेगा, बी नॉट बच जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी राजे, 10 में से माइनस कर दो 1K इंटू आई सी ड्रॉप, ठीक है, तो 10 माइनस, हाँ जी ये मिली है ये किलो है, मिली के साथ किलो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1.9, तो आंसर कितना आ गया जी 8.1 वोल्ट, क्लियर है जी पॉइंट। तो बी नॉट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी राजे 8.1 वोल्ट, क्लियर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज 8.1 वोल्ट, करेक्ट हुई इतनी बात। तो सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में कंसेप्ट क्या लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट बी नॉट इफ बीटा ऑफ द सर्किट इज वेरी लार्ज, बीटा दोनों जो ट्रांजिस्टर यहाँ पे गिवन है वेरी लार्ज है, इस बी नॉट की वैल्यू वही आपको चाहिए, ठीक है। तो बीटा अगर वेरी लार्ज है टेंडिंग टू इनफिनाइट है तो बेस करंट दोनों का क्या हो जाएगा 0, मतलब अमीटर करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा कलेक्टर करंट, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले ये देखिए कौन सा सर्किट है, वोल्टेज डिविजन सर्किट है, मतलब इसको BTH और RTH में चेंज कर लेते हैं, मतलब ये हुआ यहाँ पे जो बेस करंट जाएगा इसका जो बेस करंट है वो 0 है, ये मेरा कौन सा करंट है जी अमीटर, ये कौन सा करंट है जी कलेक्टर करंट, और ये कौन सा करंट होगा
बेस करंट, ये बेस करंट मेरा क्या हो जाएगा राजे, जीरो हो जाएगा। और ये मेरे पास अमीटर करंट होगा, ये मेरे पास क्या होगा कलेक्टर करंट होगा। क्लियर, अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे वोल्टेज 12 है तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितनी हो जाएगी 12 वोल्ट। क्लियर, और देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे भाई, वोल्टेज कितनी है 12, किसके अक्रॉस वोल्टेज है भाई, मान लीजिए बी ए वोल्टेज मुझे निकालना है इस पॉइंट ए पे, वो क्या हो जाएगा जो 20 के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही मेरा बी ए होगा। तो 20 के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, नीचे दोनों का सम इंटू टोटल वोल्टेज 12, कितना आ गया जी 8 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितना है जी 8 वोल्ट। क्लियर, अगर जी 8 है यहाँ पे ड्रॉप ऑलवेज कितने होते हैं जी 0.7 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितना पहुँचेगा, 8 में से ये ड्रॉप माइनस कर दो कितने 0.7, कितना बचेगा 7.3 वोल्ट। क्लियर, अगर ये 7.3 वोल्ट है इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो मेरे पास अमीटर करंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आई ई, दैट इज इक्वल टू आई ई की वैल्यू कितनी आएगी राजे 7.3 डिवाइड बाई 1। ठीक है, तो 7.3 डिवाइड बाई 1 के दैट इज 7.3 मिली एम्पियर, यही मेरे पास क्या हो जाएगा राजे कलेक्टर करंट हो जाएगा। ये आई सी की वैल्यू मुझे पता चल गई। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज बता सकते हो क्या होगी, 12 में से जे वाले ड्रॉप माइनस कर दो वोल्टेज यहाँ की मुझे पता चल जाएगी। ठीक है, तो मुझे वोल्टेज अगर चाहिए इसको बी पॉइंट ले लेते हैं भाई, बी बी पॉइंट, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ऑलवेज कितना आएगा 0.7, समझ रहे पॉइंट। तो बताइए बी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी बी इक्वल टू 12 में से माइनस कर दो भाई रेजिस्टेंस कितना है 3.9 के इंटू, हाँ जी कलेक्टर करंट दैट इज 7.3 × 10⁻³ के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे करते हैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए भाई, इसको मैं 2K लिख देता हूँ, समझ रहे पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2K। क्लियर, तो सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 12 माइनस, हाँ जी 6 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा 7 × 14 नेगेटिव, नेगेटिव आंसर नहीं पॉसिबल भाई यहाँ पे। तो मैंने वैल्यूज चेंज करने का मतलब, आप ऐसा करिए इसको 1K ले लो, ठीक है, तो 1K यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या है 1K। ठीक है, तो 1K है, K के साथ मिली कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 7.3 वोल्ट, ये है 7.3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा भाई, दैट इज 4.7 वोल्ट। क्लियर, ये बी बी की वैल्यू आ गई, समझ रहे हैं पॉइंट। और यहाँ पे वोल्टेज आपको मिल गई है भाई दैट इज 4.7 वोल्ट, और 4.7 यहाँ पे मिल गया आपको, इसमें से 0.7 माइनस कर दो तो बी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.7 माइनस 0.7 दैट इज 4 वोल्ट। क्लियर है जी पॉइंट। तो बस जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आगे आगे चलते जाइए, कितना भी लंबा सर्किट हो आप हर एक पॉइंट पे वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हो, समझ रहे हैं पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे डाटा उस अकॉर्डिंग रखने की ट्राई की सो दैट आपकी कैलकुलेशन आप विदाउट कैलकुलेटर कर सकूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि वोल्टेज नेगेटिव आ गया था, वो पॉसिबल नहीं है राजे कि यहाँ पे वोल्टेज मेरा नेगेटिव आ जाए, समझ रहे हैं पॉइंट। तो थोड़ा सा डाटा इस टाइप से रखेंगे सो दैट मेरा ऑपरेशन को वो फॉलो करे, करेक्ट हुई इतनी बार। तो बस जो भी डाटा क्वेश्चन के अंदर होगा जैसे मैंने आपको बताया ऐसे ही आपने आगे तक प्रोसीड करते जाना है, करेक्ट हुई इतनी बार। तो लास्ट क्वेश्चन लिखिए जे भाई, आपका गेट का क्वेश्चन है, मैंने जानबूझकर इसको सिलेक्ट किया है सो दैट आपका कंसेप्ट बन जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंसेप्ट बनाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए जी, तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है दैट इज आस्क इन गेट इलेक्ट्रिकल 2017। ठीक है, तो कंसेप्ट के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ पॉइंट जो आपने नोट करने हैं भाई। तो सबसे पहले करंट मार्क करिए, अमीटर करंट मेरा ऐसे जा रहा है इसका मतलब ये मेरा अमीटर करंट है, अगर अमीटर करंट ऐसे आएगा इसका मतलब ये मेरे पास कौन सा करंट होगा बेस करंट, ये मेरे पास कौन सा करंट होगा कलेक्टर करंट। यहाँ पे जो जो टर्मिनल है वहाँ पे कलेक्टर मीटर और बेस करंट होगा, और इसके ऊपर अगर मैं ध्यान से देखूँ ये जो बेस करंट है किधर से आ रहा होगा, इधर से आ रहा होगा, इसका मतलब इधर कौन सा करंट है राजी बेस करंट, इसका मतलब ऊपर से करंट जो आ रहा होगा यहाँ पे करंट वो क्या होगा बेस करंट प्लस, बताइए जी बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, तो जितने भी आपने पिछले क्वेश्चन देखे थे वहाँ पे आपको ये रेजिस्टेंस आर नहीं था, मतलब अमीटर करंट आप वहाँ पे कंसीडर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती थी, समझ रहे हैं पॉइंट, लेकिन यहाँ पे जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज होता है इसका नाम क्या होता है जी बी सी ई। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ आपने कैलकुलेट करना है, आपने आर बी बटा आर की रेशियो कैलकुलेट करनी है, और गिवन है जो आपका बेस अमीटर
जंक्शन है वो आपका फॉरवर्ड बाइस्ड है, ठीक है, ये जंक्शन आपका फॉरवर्ड बाइस्ड है। अगर ये फॉरवर्ड बाइस्ड है राजे, आई बी करंट जो होगा मेरा वो ग्रेटर देन कितना आएगा, जीरो आएगा। मतलब या तो मेरा जो बीजेटी है वो सेचुरेशन रीजन में होगा, या फिर किस में होगा भाई, एक्टिव रीजन में होगा, ठीक है। तो आगे जो बी सी ई मुझे गिवन है, बी सी ई की जो वैल्यू गिवन है दैट इज बी सी सी बाई टू। बी सी सी कितना है, 10 डिवाइड बाई 2, दैट इज 5। इसका मतलब जो बी सी ई है दैट इज ग्रेटर देन बी सी ई सेचुरेशन। इसका मतलब मेरा जो बी जे टी है वो किस रीजन में ऑपरेट हो रहा है भाई, इन एक्टिव रीजन। करेक्ट हुई इतनी बात, मतलब बी जे टी मेरा एक्टिव रीजन में ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर बी जे टी एक्टिव रीजन में ऑपरेट हो रहा है, इसका मतलब जो मेरे पास आई सी करंट होगा दैट इज इक्वल टू बीटा आई वी, क्लियर। और मेरे पास जो गामा होता है दैट इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 होता है राजे, दैट इज इक्वल टू आई ई डिवाइड बटा आई बी होता है भाई, ध्यान से देख लेना पिछले लेक्चर में। और इसका जो बीटा आपको गिवन था दैट इज 29, समझ रहे हैं पॉइंट। इसका मतलब जो करेक्टर करंट होगा दैट इज 29 इंटू आई बी, और एमिटर करंट क्या हो जाएगा, 29 प्लस 1 30, इधर आई बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों करंट की मुझे जरूरत पड़ेगी भाई, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया है, क्लियर। तो कलेक्टर करंट इज इक्वल टू 29 IB और एमिटर करंट इक्वल टू दैट इज 30 IB, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ आई बी प्लस आई सी कितना हो जाएगा भाई, ये 29 IB है, ये आई बी है, तो इन दोनों को ऐड करके कितना लिख सकते हैं, 30 IB। करेक्ट हुई इतनी बात, इस अमीटर करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 IB। अब केवीएल अप्लाई कर दो भाई। तो केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे, ये जो बी सी सी 10 की बना है इसको हम बैटरी के साथ रिप्लेस कर देंगे, 10 है तो ऐसे ही हम रिप्लेस कर देंगे भाई, ये है 10 वोल्ट, और ये ग्राउंड और ये ग्राउंड आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, एक लूप बनाएंगे। तो इस लूप में मैं केवीएल अप्लाई कर देता हूँ, समझ रहे हैं पॉइंट। तो अप्लाई केवीएल, ठीक है, तो अप्लाई केवीएल, देखिए क्या आ रहा है भाई आपके पास। केवीएल अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आएगा दैट इज -10, हाँ जी नेक्स्ट, प्लस 4R इंटू करंट कितना है, 30 IB, यहाँ पे पहुंचे, फिर इधर को जाएंगे प्लस IB इंटू RB, आगे जाएंगे भाई, ये वाले ड्रॉप आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 0.7 वोल्ट, BBE की वैल्यू है 0.7, तो कितना आएगा, प्लस 0.7 प्लस, हाँ जी, R इंटू IE, IE की वैल्यू कितनी है, 30 IB, बराबर कितना हो जाएगा, 0। करेक्ट हुई इतनी बार, तो देख लो भाई कितना आ रहा है आंसर आपका, 120R 9.3, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 120R इंटू IB प्लस, हाँ जी, RB इंटू IB प्लस, ये कितना हो जाएगा, 120R इंटू IB इक्वल टू 9.3, इनको ऐड कर लो कितना हो गया, 240R IB प्लस RB इंटू IB इक्वल टू 9.3। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बनेगा, इस आउटपुट वाली साइड पे आप लगा दो भाई KVL, तो ये भी मेरे पास एक लूप बन जाएगी राजी, ग्राउंड को अगर मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूं, तो इसमें आप अप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, -10 प्लस 4R इंटू 30 IB प्लस जे वाले ड्रॉप, BCE की वैल्यू कितनी आएगी राजी, 5 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस जे वाले ड्रॉप R इंटू 30 IB, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो कितना आ रहा है, ये 5 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 120R IB प्लस ये कितना हो जाएगा भाई, 30R IB इक्वल टू 5। इसका मतलब IB करंट की वैल्यू कितनी आ गई राजे, 5 डिवाइड बाई 120 और 30, 150R, तो कितना आया, 1 डिवाइड बाई 30R, क्लियर। तो बेस करंट की वैल्यू मुझे मिल गई दैट इज 1 डिवाइड बाई 30, तो यहाँ पे पुट कर देंगे और देखेंगे कितना आएगा भाई, इसको नोट करिए जल्दी से, IB की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 30R, इसको पुट करिए जल्दी से भाई, IB इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 30R प्लस RB इंटू 1 डिवाइड बाई 30R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9.3, क्लियर। इस R के साथ R कैंसिल हो जाएगा, देखो कितना आ रहा है, 8 3 24, तो 8 बचेगा भाई, 8 मेरा उधर चला जाएगा, तो RB डिवाइड बाई R, यहाँ पे 30 है, 9.3 माइनस कितना आ जाएगा, 8, तो 1.3, ये 30 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो RB बटा R की रेशियो आपने निकालनी थी भाई, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 39, ठीक है, दैट इज 39, क्लियर। लेकिन आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज 43, 92, 121 एंड
129। क्लियर, तो जल्दी से देखिए अभी मिस्टेक कहाँ पे हुआ आपका। अगर मैं यहाँ पे देखूँ दैट इज 240 आर प्लस नेक्स्ट है आई वी, इन दोनों को तो कैलकुलेट कर लिया था, माइनस 9.3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा 9.3। ठीक है जी, यहाँ तक तो करेक्ट है। इस वाले लूप में अगर देखें ध्यान से, माइनस 10 माइनस 4 आर इंटू 30 आई बी प्लस 5, सॉरी माइनस 5 नहीं सॉरी, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस, और प्लस 30 आई बी इंटू आर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 120 और 30 150 आर आई बी इक्वल टू 5। तो आई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/30 आर ही आएगा। ये तो करेक्ट है अभी यहाँ तक। तो फिर मैंने क्या किया, आई बी की जगह पे वैल्यू पुट की 1/30 आर प्लस आर वी इंटू 1/30 आर। यहाँ तक तो करेक्ट था भाई, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, ये भी ठीक है, 8 3 24 ये भी ठीक है। ठीक है, तो 8 3 24 मतलब 8 बचेगा, 8 इधर जाके माइनस का होगा दैट इज 1.3। ठीक है जी, इंटू 30 करेंगे, 30 करने के बाद कितना आ जाएगा 39। क्लियर, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर इसका 39 ही आएगा। इसके पहले अगर कोई मिस्टेक है उसका बारे में मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता। माइनस 10 प्लस 4 आर इंटू 30 आई वी प्लस आई वी इंटू आर प्लस 0.7 इंटू प्लस कर दिया आपने 30 इंटू आर, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है जी। तो 120 आर आई वी प्लस आई वी प्लस, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 30 आई वी आना था, ठीक है, दैट इज 30 आर इंटू आई वी इक्वल टू 9.3। तो यहाँ पे 150 बचेगा जी, 150 आर इंटू आई वी। ठीक है जी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था भाई, तो ध्यान से भाई इसको करेक्ट करीजिए। तो 150 इंटू आर इंटू आई वी की वैल्यू कितनी आई, 1/30 आर प्लस आर वी इंटू 1/30 आर इक्वल टू 9.3। तो R के साथ R कैंसिल हो जाएगा, J बचेगा 5, 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आर वी बटा आर कितना हो जाएगा 9.3 माइनस 5 4.3 इंटू कितना करना है राजे 30, 30 के साथ ये पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 9 4 3 12। इसका मतलब आर वी डिवाइड बटा आर की जो रेशियो आ जाएगी दैट इज 129। आई थिंक ये ऑप्शन में आपका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी, करेक्ट हुई इतनी बार। तो कुछ नहीं है भाई, केवीएल और केसीएल ही आपने अप्लाई करना है, इसके बाद बस यही आपने ध्यान में रखना है कि मोड ऑफ ऑपरेशन कैसी देखती हैं। ठीक है, तो अगर बेस करंट मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो वो सैचुरेशन रीजन होगा या फिर एक्टिव होगा, अगर आई वी मेरा लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव आ गया तो वो कट ऑफ रीजन होगा। ठीक है, फिर आगे अगर वो सैचुरेशन रीजन है या एक्टिव है उसको हम एक्टिव में ज्यूम करेंगे, अगर उसकी बी सी ई मेरी ग्रेटर देन सैचुरेशन वाली वोल्टेज से आ जाए इसका मतलब वो सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करेगा, अदरवाइज किस में आ जाएगा, सॉरी एक्टिव में ऑपरेट करेगा, अदरवाइज वो सैचुरेशन में ऑपरेट करेगा। करेक्ट हुई इतनी बार। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।